इसमें इंग्लिश मालूम होना ही होना, ठीक है। और नहीं तो ये सामने देख रहा आदमी लोग सब बैठा है, ये लोग 10,000 रुपये का नौकरी के लिए कैसे नाक लगा रहा है साहब, थोड़ा मुंह दिखा दीजिए, 10,000 का नौकरी के लिए कैसे नाक लगा रहा है इधर आके आंदोलन में, इंग्लिश अगर नहीं मालूम रहा तो, क्योंकि मजबूर है ये लोग, हिंदी बांग्ला कन्नड़ा तेलुगु तमिल मलयालम गुजराती या मराठी ये सभी स्कूल में पढ़ने के लिए लोग मजबूर है, इससे यहाँ से जब पढ़ के निकल के आ रहा इनको सिर्फ 10,000 रुपये की नौकरी, नहीं वो भी नाक लगा कर, नहीं तो खिलौना का जैसा दुकानों में उनको नौकरी मिलता रहता। और जाके देखिए जो दूर दराज के गांव अंचल है वहाँ का क्या परिस्थिति है, मैं वहाँ भी अनशन में बैठा हूँ, एकदम गाय गोबर वैसे जगह में, ठीक है, एकदम खेती बाड़ी वैसे स्कूल के सामने जाकर बैठा हूँ, वो लोग मेरे को पागल समझ जाता है कि वहाँ ऊंच नीच छुआछूत जैसा घृणो जातिवाद पता आज भी सिर उठा खड़ा है सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के लिए। क्या हमारे को दूसरे दर्जे का उन्हें नागरिक बनाना चाहता, वो जब होगा तब देखा जाएगा, वही बहुत देर होगा। देखिए ये हमारा नेशनल लैंग्वेज है, मैं उसको शतकोटि प्रणाम कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज को। मेरे को मोदी जी ये जी क्या भी नहीं है, ये तो सरकार आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है, बहुत सरकार आया ब्रिटिश टाइम से, बहुत सरकार आया गया, इन्हें भी आए हैं, इन्हें कितना दिन जिंदा रहेंगे, क्या जीवन 100 साल इन्हें नहीं जिएंगे, बहुत कुछ त्याग कर दिया हूँ मैं, सिर्फ किसी डरता नहीं, मैं अपना परिवार सब कुछ त्याग कर दिया हूँ ये समाज सेवा करने के लिए। वही 5 kg 5 kg चाल देगी हमारे को दबाक रख देंगे हर सरकार, तब आपको उस टाइम कॉर्पोरेट जगत के लिए बहुत कुछ कुर्बानी देने पड़ेंगे, चाहे देश के लिए कुछ भी चीज हो कुर्बानी देने ही पड़ेंगे, चाहे कौन भी होने दीजिए, कोई लड़ाई नहीं उस बारे में, लेकिन दोबारा उस तरह का आग नहीं लगना हमारे हिंदुस्तान में, ये ख्याल उनको जरूर रखना चाहिए। अनशन जब तक देखता हूँ पुलिस वाले प्रशासन जब तक रहने देंगे, हम तो इधर अनिश्चित काल के लिए बैठा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर दबाव आ रहा कि खत्म कर लो आज, मेरे को यहाँ से अगर निकल भी दिया आज तो मैं दूसरे स्टेट में जाऊँगा, दूसरे शहर में जाऊँगा, बैठूंगा जाकर, इसको मैं यहाँ छोड़ नहीं रहा हूँ, ये आगे मेरा चलते रहेंगे आंदोलन। मैं हिंदुस्तान का भेदभावपूर्ण शिक्षा नीति के खिलाफ यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है ये ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहा, इससे हमारे को दूसरे दर्जे का, ये जो आर्थिक रूप से अक्षम है ना, इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना रहा, क्योंकि बड़े आदमी जो है वो तो पैसा खर्च करके इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता है, उनके बच्चे लोग वो क्या होता 40-50 हज़ार रुपये पेमेंट कैसे भी मिलता, क्यों आज का युग है ग्लोबलाइजेशन का, ये जो वाजपेयी जी ने नौकरी जो बाहर देश से लेकर आया ये सभी ग्लोबलाइजेशन का नौकरी है, इसमें इंग्लिश मालूम होना ही होना, ठीक है। और नहीं तो ये सामने देख रहा आदमी लोग सब बैठा है, ये लोग 10,000 रुपये का नौकरी के लिए कैसे नाक लगा रहा है साहब, थोड़ा मुंह दिखा दीजिए, 10,000 का नौकरी के लिए कैसे नाक लगा रहा है इधर आके आंदोलन में, ऐसे नौकरी मिलता वो इंग्लिश अगर नहीं मालूम रहा तो, क्योंकि मजबूर है ये लोग, हिंदी बांग्ला कन्नड़ा तेलुगु तमिल मलयालम गुजराती या मराठी ये सभी स्कूल में पढ़ने के लिए लोग मजबूर है, इससे यहाँ से जब पढ़ के निकल के आ रहा इनको सिर्फ 10,000 रुपये की नौकरी, नहीं वो भी नाक लगा कर, नहीं तो खिलौना का जैसा दुकानों में उनको नौकरी मिलता रहता। और जाके देखिए जो दूर दराज के गांव अंचल है वहाँ का क्या परिस्थिति है, मैं वहाँ भी अनशन में बैठा हूँ, एकदम गाय गोबर वैसे जगह में, ठीक है, एकदम खेती बाड़ी वैसे स्कूल के सामने जाके बैठा हूँ, वो लोग मेरे को पागल समझ रहा था, इससे इनको क्या मिलेगा सोचा, मैं बोला यहीं से लेकर वास्तव को लेकर मैं केंद्र सरकार के पास जाऊँगा, इसलिए वहाँ बैठा था। और वहाँ पर और एक चीज़ देख के आया कि वहाँ ऊंच नीच छुआछूत जैसा घृणो जातिवाद पता आज भी सिर उठा खड़ा है सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के लिए। वो जो संविधान में लिख के छोड़ दिया कि इनको ये हक मिलना उनको वो हक मिलना, ये जो जिसको कथित रूप से नीच जात कहा जाता, सरकार तो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना रही है जिसमें उसमें कहा जा रहा है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये देश विश्व गुरु बन जाएगा, जिसमें तटशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय एक बार दोबारा स्थापित हो पाएंगे। आप तो इंग्लिश ऑक्सफर्ड और हार्वर्ड की बात करते हो और प्रधानमंत्री तटशिला और नालंदा की बात करते हो। सर हमने तटशिला और ये नालंदा विश्वविद्यालय के अगेंस्ट में मैं नहीं हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो भी ऐसा कोशिश कर रहा, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है जो हमारा जो आज परिस्थिति है इस परिस्थिति में बदलाव एक ही तरह से आएंगे, सिर्फ इंग्लिश मालूम होती, ग्लोबलाइजेशन के युग में इंग्लिश होना ही होना, हिंदी बोलने से क्या मिलेंगे सिर्फ 10,000 का नौकरी मिलेंगे, क्या हमारे को दूसरे दर्जे का उन्हें नागरिक बनाना चाहता, वो जब होगा तब देखा जाएगा, वही बहुत देर होगा। इसी इंग्लिश को बेहतर हिंदी बेहतर बनाएंगे जो इंग्लिश के बराबर साहब, ग्लोबलाइजेशन बोला तो पूरा विश्व है, पूरा देखिए ये हमारा नेशनल लैंग्वेज है, मैं उसको शतकोटि प्रणाम कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज को। भरोसा नहीं क्या मोदी जी पर? मेरे को मोदी जी ये जी क्या भी नहीं है, ये तो सरकार आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है, बहुत सरकार आया ब्रिटिश टाइम से, बहुत सरकार आया गया, इन्हें भी आए हैं, इन्हें कितना दिन जिंदा रहेंगे, क्या जीवन 100 साल इन्हें नहीं जिएंगे, ठीक है, जब तक इन्होंने है इसके बाद कौन लीडर आपको दिखाई दे रहा किस तरह से काम करेंगे, बोल दिया 50। सुनिए जो भी है जितना भी लीडर है सब मोदी छाप हो गया अभी बीजेपी में, ठीक है, तो फिर इसके बाद मोदी जी के बाद क्या करेंगे, आज मोदी जी का नाम से इनको वोट मिल रहा, मोदी जी चला गया तो इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, कि सब मोदी छाप से मिल रहा है इनको वोट, है ना,
क्योंकि खुद को काम करने पड़ेंगे, लेकिन खुद काम कर रहा है ऐसा कौन कर रहा बोलिए, इसलिए ऐसा वो मैं बात नहीं चाहता हूँ। माफ करना, मैं बीजेपी के नाम से कुछ गलत बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं निर्णय लोगों के नाम से बात करना चाहता हूँ। ऐसा डरता किसी भी नहीं है, मैं एक निरपेक्ष एक समाज से भी हूँ, लेकिन किसी राजनीतिक दल का नाम लेना चाहिए, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ जनता के लिए यहाँ निकलता हूँ। मैंने बहुत कुछ त्याग कर दिया हूँ, मैं सिर्फ किसी डरता नहीं, मैं अपना परिवार सब कुछ त्याग कर दिया हूँ ये समाज सेवा करने के लिए। बीवी बच्चा सब छोड़ के चला गया, क्या करूँ, फिर भी मैं ये सब करता रहता हूँ। तो सर ये शिक्षा नीति में कैसे बदलाव हो कि एक अमीर और गरीब के बीच जो खाइयां हैं वो पट जाए? मेरा वही है, इसके लिए क्या करना, ये जो आदमी लोग है ना, चाहे किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में होना चाहिए, ये सरकारी स्कूल जो है उनको ये धीरे धीरे एक एक करके एक एक क्लास को हर साल इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित कर दिया जाए, और नहीं तो एक फ्री शिक्षा बीमा काट दिया जाए, संसद में पास किया जाए, जो ये आर्थिक रूप से अक्षम परिवार वालों को दिया जाए, जो फ्री एजुकेशन एक कार्ड दिया जाए, जिससे ये लोग अपने बच्चे को वो इंग्लिश मीडियम कौन सा भी, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, कौन सा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिला सके। देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, स्कूलें जब प्राइवेट पढ़ाई जाएंगी संस्थानों के द्वारा, तो फ्री में क्यों पढ़ाएंगे लोग, वो तो मुनाफे के लिए होते हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्थिक रूप से जो अक्षम है इनके लिए अलग से एक ये बनाया जाए, पास किया जाए, बिल पास किया जाए। मैंने नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्राइवेटिज्म कर दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ जो प्राइवेट है उनको प्राइवेट रहने दीजिए, ठीक है, उसमें कंपटीशन आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा उसमें, ठीक है, उसमें कंपटीशन बढ़ेगा। और ये क्या करना, जो सरकारी जो स्कूल है आज के दिन के, क्या बोल रहा, सरकार के पास इतना बजट नहीं, बोल रहा हम हमारे लिए कौन बजट निकलेगा, कॉर्पोरेट जगत के लिए बहुत पैसा निकल जाएंगे उनको डोनेशन देने के लिए, लेकिन हमारे लिए इनको नहीं निकलता, सिर्फ वही 5 kg 5 kg चावल देगी हमारे को दबा के रख देंगे हर सरकार। सर 5 kg चावल से वोट मिल रहा है, वोट सरकारें बन रही है 5 kg चावल से। सर सच्चाई सभी मालूम है, सच्चाई सभी मालूम है, हंसी आ रहा, दुख से आ रहा है। गरीब है ना जो यहाँ पे ये जंतर मंतर पे लोग खड़े हुए, ये 5 kg चावल में और देते हैं सर, इनको शिक्षा नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ सर, लेकिन इससे कुछ लोगों को बुरा लग जाएंगे, इसलिए मैं उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता हूँ। वास्तव जो है मैंने वही आपके सामने रखा हूँ कि ठीक है, तो ऐसा क्या करना, जो इसका उपाय क्या है, आपने आपको मैंने बताया दूर दराज गाँव अंचल में उधर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, इसके लिए क्या करना, वहाँ जाके जो इंग्लिश मीडियम जो सरकारी स्कूल है, जो हिंदी बांग्ला कन्नड़ तमिल तेलुगु जो है, ये सभी मीडियम को क्या करना, एक एक करके हर साल एक एक क्लास को इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किया जाए। और जो शिक्षक लोग इंग्लिश पढ़ाने में अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, उनको इज्जत के साथ किसी सरकारी विभाग में लाया जाए। भूखे हैं, इनको खाना चाहिए, इनका पेट भरना चाहिए सर, एजुकेशन को बाद में चाहिए। सर एजुकेशन आएंगे तो खाना भी मिलेंगे, आपको कितना नौकरी होना, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में पास करके आया एक आदमी लाके दिया, मैं 40,000 रुपया पेमेंट का उनको नौकरी करके देता हूँ, मैं खुद एक फकीर हूँ, लेकिन मैं उनको करके देता हूँ। लेकिन सर इनका जब पेट भरा रहेगा तो पढ़ाई क्यों करेंगे ये? नहीं साहब, पढ़ाई से ही सब कुछ, क्योंकि अगर जमीन मजबूत होंगे तो सब कुछ मजबूत होंगे। वाजपेयी के जी का जमाने में बहुत नौकरी आया हमारे हिंदुस्तान में, और लेकिन वो नौकरी मिलने के लिए इंग्लिश में अच्छा ज्ञान रहना ही रहना, क्योंकि यहाँ से बैठे बैठे बच्चे लोग क्या करता है, इंग्लिश में बात करके उनको समझाता कि ये प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाया गया, कैसे यूज करना, तो इसको हिंदी में नहीं होंगे। सर इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण हिंदी में ही होते हैं, भाषण को सुनकर के लोग वोट कर देते हैं, आप कह रहे हो अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। सब एक बात बोलो, वो अपने जातीयतावाद को प्रभावित मतलब पब्लिक के सामने रखना चाहता, अच्छा बात है, वो कहीं बुरा नहीं है, उन्होंने हमारे को खुश करने के लिए ऐसा करते रहे, तो वो भी अच्छा बात है। खुश करने के लिए क्या 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 आप क्या कहना चाहते हो, क्या कोई जोकर है क्या, नहीं आपको खुश करेंगे? नहीं साहब, जोकर के लिए बात नहीं है, कभी कभी उन्होंने जातीयतावाद जो एक विशेषता है, उस विशेषता के लिए मैडम आइए, जब सपोर्ट कर रहा था ऊपर मुठ के आइए, तो उस विशेषता को उन्होंने रखना चाहता ठीक से, कि आगे भी कोई प्रेरित होकर इसी तरह से काम करे। सर सरकार पॉलिसी बनाती है लोगों के हित के लिए, किसी को खुश रखने के लिए नहीं सर, खुश रखने सब वोट भी लेना पड़ता ना, वोट भी लेना पड़ता ना, एक वोट भी एक चीज है ना, कि आप देखिए जब आपको सपोर्ट रहेंगे कॉर्पोरेट जगत का, तब आपको उस टाइम कॉर्पोरेट जगत के लिए बहुत कुछ कुर्बानी देने पड़ेंगे, चाहे देश के लिए कुछ भी चीज हो कुर्बानी देने ही पड़ेंगे, चाहे कौन भी होने दीजिए, कौन भी लीडर होने दीजिए। और गरीब के लिए आप करने जाएंगे तो वो तो पहले कॉर्पोरेट जगत बाधा देगा। तो सरकार की नीति से खुश है या नहीं? सर सरकारी नीति से खुश सर
कंफ्यूज लग रहे हैं। नहीं कंफ्यूज क्या भी नहीं है, क्योंकि मैं सरकार का खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं अनशन पर हूँ ना, आप अनशन पे हैं इसीलिए है ना, चीज ठीक नहीं हो रही है इसलिए आप अनशन पे। देखिए सर, मेरे को 370 अच्छा लगा, 370 हटाया, दिल से बोल रहा हूँ, अच्छा हुआ कि इस देश में एकता हुआ इसमें। और सर प्लॉट खरीद लिया, नहीं वो सभी नहीं बोल रहा हूँ, बस इससे देश का जो टुकड़ा होने का चांस दिखाई दे रहा था वो टुकड़ा नहीं हुआ, ये मेरे को अच्छा लगा। आपको किसे चांस किसे दिखाई दे रहा था? बाकी यार किसी नीति से अभी तक मैं खुश नहीं हूँ। आपको आपको चांस किसे दिखाई दे कि आप राजनीति, मेरे को राजनीति में लेके जा रहे हैं। देखिए आप बात कर रहे हो इसे सर, नहीं मैं राजनीति 370 हटा अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, तो आप बता नहीं पा रहे सर क्या अच्छा हुआ। अच्छा हुआ बोले तो उससे हमारा देश को खतरा था कि वो देश को टुकड़ा होने का। कश्मीर हमसे अलग था क्या? अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तकलीफ आ रहे थे, अलग कहाँ हो गया। इसीलिए मैं सर वो एक चीज से इनका खुश हूँ, बाकी यार किसी चीज से अभी तक खुश नहीं हुआ हूँ कि इन्होंने से बोला है लेकिन एक भी कुछ करके नहीं दिखाया। राम मंदिर से भी खुश हुए होंगे? नहीं साहब, मैं देखिए वो सभी चीज से मेरे को ये नहीं रहता, नाता क्या भी नहीं रहता कि मैं सबके लिए काम करता हूँ, चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब हम इस देश के नागरिक है, हम सब एक समान है, हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। वो मंदिर वाला किस्सा अलग होता, मैं एक समाज से भी हूँ। बोला तो सर 370 हट जाएगा, 370 अलग चीज होता, वो देश का चीज है, वो देश का चीज है। एक मुस्लिम आएंगे वो भी उनका ये देश है, एक हिंदू आएंगे उनका भी देश है, एक सिख का भी, एक क्रिश्चियन सबका ये देश है। इसलिए जो भी इस देश में शासक होगा उसका वो जरूर उस दिमाग में था कि इसको निकाला जाए, लेकिन सबका हिम्मत नहीं हो रहा, बस इतना ही है और क्या। सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है सरकार जो शिक्षा नीति बनाई हुई है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत काफी चीजें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और इसको तटशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बनाने की बात की जा रही है, देश को विश्वगुरु की तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि देश को विश्वगुरु बनाएंगे, ये क्या इन चीजों से आप प्रभावित नहीं हो रहे क्या मोदी जी से? सर अगर बढ़ाना चाहता उनको बढ़ाना दीजिए, काम करने दीजिए, जब उसका फल मिलेंगे तभी आदमी समझेंगे जहाँ कितना हुआ कितना नहीं हुआ। मुंह से बोलना अलग चीज होता, वो तो मुंह से बहुत आदमी बहुत कुछ बड़ा बड़ा बोलता। सर आप इंतजार नहीं किया और अनशन पे बैठ गए? नहीं सर, ये अनशन का ये आज का नहीं है, ये जो है ना ब्रिटिश टाइम से तकलीफ होता आ रहा, ठीक है। वो कब क्या करेंगे वो मुंह से, सुनिए मुंह से बोलना अलग बात होता, मुंह से उन्होंने बहुत कुछ बोला, एक भी हुआ क्या? 370 छोड़कर कुछ नहीं हुआ, वो मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया, उन्होंने निपटा दिया, ठीक वो भी अच्छा बात है कि हमारे यहाँ शांति कर दिया और कोई लड़ाई नहीं उस बारे में, लेकिन दोबारा उस तरह का आग नहीं लगना हमारे हिंदुस्तान में, ये ख्याल उनको जरूर रखना चाहिए क्योंकि उनको हर आदमी चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हर जना उनको रेस्पेक्ट करता, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि उन्हें हमारा प्रधानमंत्री है तो इसलिए उनको सब जन रेस्पेक्ट करता, हम भी रेस्पेक्ट करता। कब तक ये अनशन चलेगा सर? अनशन जब तक देखता हूँ पुलिस वाले प्रशासन जब तक रहने देंगे, हम तो इधर अनिश्चितकाल के लिए बैठा हूँ, लेकिन मेरे को दबाव आ रहा कि खत्म कर लो आज। मांग सरकार से है तो कब तक, ये सरकार से आप जो मांगे हैं अगर तो मेरे को यहाँ से अगर निकाल भी दिया आज तो मैं दूसरे स्टेट में जाऊँगा, दूसरे शहर में जाऊँगा, बैठूंगा जाकर, इसको मैं यहाँ छोड़ नहीं रहा हूँ, ये आगे मेरा चलते रहेंगे आंदोलन जब तक आपकी मांग पूरी नहीं। हाँ पूरी नहीं होंगे। और एक बार हमारे देखिए आज के दिन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मालूम, शिक्षा को छोड़कर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बोल दूँ? ये मेरा बात रख दीजिए, बार बार आप दिल से निकाल रहे जाओ, ये जो है मतलब क्या बोलना जो अभी बोलने जा रहा था, भूखा होना नहीं बोला तो पॉपुलेशन जनसंख्या एक जनसंख्या बिल लाना बहुत जरूरी सर, इसको से मुंह से बताया जा रहा कि वो सबसे बड़े प्रॉब्लम है, वो समाधान हो जाएंगे ना और देश को कोई खतरा नहीं रहेंगे। पहले एक बार जाति जनगणना भी तो हो जाती नहीं चाहिए सर? कीजिए, नो प्रॉब्लम, पता चल जाएगी किसकी जनसंख्या। अच्छा बात है, देखिए सर आज हमारा देश का टुकड़ा हुआ सिर्फ पॉपुलेशन के नाम से हुआ, ठीक है ना, अगर ये पॉपुलेशन को स्टॉप कर दिया जाए आगे बढ़ना, वो जो जितना है उतना संख्या में रह जाए तो हमारा देश कभी टुकड़ा नहीं होगा, ये बात को सोचिए। पॉपुलेशन में हिंदू जितना है, मुस्लिम जितना है, क्रिश्चियन जितना, इतना ये स्टॉप हो जाए एक ही जगह में और हम सब भाई भाई मिलकर रहे तो हमारे देश को कोई खतरा नहीं रहेगा, ठीक है ना, आगे कोई टुकड़ा नहीं होगा, क्योंकि आज 140 करोड़ हो गए, बस इतना ही सरकार के पास मेरा अनुरोध है, अगर आप करना चाहता ये काम को सबसे पहले कीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी सब देखा हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद। और कुछ